हमारे हिंदी टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं। वेल हेलो नमस्ते, मेरा नाम है तन्वी मल्हारा एंड वेलकम टू अ ब्यूटीफुल शो जिसका नाम है स्पाइस इट अप विद तन्वी। और आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान हैं जो एक ऐसे एक्टर है जो दिखने में बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं, जिनका नाम है हर्ष राजपूत जयेश। हाय। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। मैं इसीलिए आपको ये नाम से पुकार रही हूँ क्योंकि आपका इंस्टाग्राम हैंडल कुछ इसी तरह है। नहीं, इट्स एक्चुअली राजपूत हर्ष जयेश @ बेस्ती हो गई है पहले ही सेकंड में हो गई है थोड़ी सी हो चुकी है। इट्स फाइन। सो हर्ष, आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि काश मैंने भी इंडियन कपड़े पहने होते, बिकॉज आप एकदम जज रहे हो। आप हिंदी टीवी के लिए एकदम परफेक्ट लग रहे हो। मैं सारे टीवी के लिए एकदम परफेक्ट लग रहा हूं। यू डू एंड यू लुक सो नाइस। डू यू लाइक गर्ल्स इन साड़ीज मोर? ओह, आई लव इट। है ना? यस यस। मतलब ऐसे लड़कों को अलग ही प्यार हो जाता है जब दे सी गर्ल्स इन लाइक इंडियन वेयर। क्योंकि देखो, पहली बात तो ये है कि बहुत कम पहनती है लड़की साड़ी तो, और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं यू नो साड़ी के साथ बड़ा एक उम्फ फैक्टर आता है। आई फील सो साड़ी ऑलवेज, यू नो आई वुड ऑलवेज गो फॉर साड़ी। हाउ डिड यू बिकम हर्ष, लाइक द हर्ष वी नो, जो कि इतने सालों से एक्टिंग कर रहा है, जो अभी रॉकी बना था पिशाचिनी में। Yes. जो अलग अलग किरदार निभा रहा है। मेरी माँ ने सपना देखा कि उनका बेटा एक्टर बने, और कहीं ना कहीं बचपन में यू नो मेरा इंक्लिनेशन था टुवर्ड्स ऑल दी कल्चरल एक्टिविटीज़, डांसिंग, यू नो ड्रामा, थिएटर्स, एवरीथिंग आई यूज्ड टू डू। तो जैसे ही मैं मुंबई आया, यू नो स्पेशली मुंबई आया, मैं हीरो बनने के लिए ही हूँ। पढ़ाई तो एक बहाना था। सो आई जॉइन मिठीबाई कॉलेज, और मिठीबाई कॉलेज की ड्रामेटिक्स टीम, डांसिंग टीम, फोक डांसिंग टीम, वेस्टर्न डांसिंग टीम, सब में कर लिया। सब में मैंने पार्ट कर लिया। इनफैक्ट आई हैव रिप्रेजेंटेड मुंबई यूनिवर्सिटी फॉर जोनल्स एंड नेशनल्स फॉर फोक डांसिंग, ड्रामेटिक्स एंड फोक ऑर्केस्ट्रा। जोरदार तालियां। Yeah, good job. You're like a package deal. वो होते हैं ना लड़के, सब आता है, सब कुछ टिक टिक टिक। नहीं, बहुत कुछ सीखना बाकी है एक्चुअली। यू नो जैसे जैसे आप सीखते जाते हो और चीज़ें बढ़ती जाती है। कॉलेज वॉज हैपनिंग एट द सेम टाइम, मैंने एक डांस क्लास ज्वाइन कर लिया था तब हबीबा रहमान जी का, काफ़ी बड़ी कोरियोग्राफर है। हमने टी वी शोज वगैरह में भी काफ़ी उन्होंने काम किया है। बहुत स्ट्रिक्ट है। बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत ज़्यादा यू नो वो जो करवाना चाहती हो करवा के रहती है। So luckily I'm you know I was trained under her for some time, और फिर वहीं से उनके जो husband है उन्होंने, गजेंद्र चौहान जी जो युधिष्ठिर play करते थे, उन्होंने एक number दिया किसी बंदे का, जिससे you know मैंने phone पे बात की, and that's how my first project गायत्री महिमा happened in 2004। जिस डायरेक्टर से मैं मिला, उन्होंने मुझे एक इतनी बड़ी स्क्रिप्ट दे दी थी जो ऑलमोस्ट आधी संस्कृत में थी और आधी शुद्ध हिंदी में थी, बिकॉज आई वॉज प्लेइंग श्री राम शर्मा जी का कैरेक्टर, जो कि गायत्री महिमा के यू नो मेन गुरुजी हैं, जिन्होंने गायत्री परिवार शुरू किया था। सो इतनी बड़ी स्क्रिप्ट कैसे, मतलब, और दो दिन का टाइम दिया था कि दो दिन में मुझे करके दे। सो आई डिडंट स्लीप फॉर टू नाइट्स। मैंने कंटिन्यूसली वो चीज़ें पढ़ी, यू नो संस्कृत में कभी कभी ऐसे कुछ चीज़ होते, और तब मोबाइल के ज़माने होते नहीं थे, एंड यू नो तब 2004 में मोबाइल्स आए ही थे। यू नो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग इस प्रोजेक्ट में हुआ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी इस प्रोजेक्ट में, वो ये हुई थी कि हम आवलखेड़ा में शूट कर रहे थे, यूपी में, जहाँ पे गायत्री परिवार का सबसे बड़ा आश्रम है, और वहाँ पे जो 85 ईयर ओल्ड, 90 ईयर ओल्ड साधु, जो यू नो बहुत सारी तपस्या करते हैं और जो ऐसे तेज वाले होते हैं, वो सब आके मेरे पैर छूने लगे, बिकॉज दे थॉट कि उनके राम शर्मा जी आ गए हैं। एंड आई वॉज सो एम्बेरेस्ड, आई वॉज यू नो आप कैसे, और किसी, आप 16 साल के हो। मैं 16 साल का हूँ, मैं इतना छोटा हूँ, और बड़े बड़े यू नो ज्ञानी लोग आकर पैर में पड़ रहे हैं, एंड आई लाइक अरे नहीं भाई, प्लीज़ प्लीज़ डोंट डू दिस, डोंट मेक मी फील एम्बेरेस्ड। बट दैट्स हाउ दी जर्नी स्टार्टेड। मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों को लगता है कि इसने ड्रीम किया, ये यहाँ पे गया और यहाँ पे जाके उसको काम मिल गया। बट कहीं ना कहीं मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो कोई ये नहीं देखता है कि एट दैट टाइम इन अ डे आई हैड ओनली बजट ऑफ 100 रुपीज़, जो मुझे पूरे दिन में खाने से लेके ट्रैवलिंग से लेके हर एक चीज़ को मैनेज करना है 100 रुपये में।
इंक्लूडिंग ऑल माई मील्स टू एवरीथिंग. मैं ड्रामा क्लासेस ड्रामा कॉलेज के इसमें जो जाता था वो इसीलिए जाता था कहीं ना कहीं शायद क्योंकि वहाँ से एक वड़ा पाव और एक एनर्जी मिलती थी हमको. सो दैट वॉज कि वहाँ से यू नो ब्रेकफास्ट हो जाएगा. तो वो सारी छोटी छोटी चीज़ें शायद बहुत कम लोग जान पाते हैं या यू नो कहीं ना कहीं, और काफ़ी लोग इसके बारे में शायद बात भी नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि ऐसे बात करने से यू नो इंसान छोटा हो जाता है. बट आई थिंक दिस इज़ द मिरर विच यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर, क्योंकि अगर आप ये याद नहीं रखोगे तो आप ज़मीन पर रहोगे नहीं. सो कमिंग बैक टू नाउ पिशाचिनी यूवर रॉकी, सो हाउ वाज इट? लाइक वो बहुत ही डिफरेंट सीरीज थी. जब मैंने उसका प्रोमो भी देखा था कि कुछ अलग है, तो वो कैसा था आपके साथ वो एक्सपीरियंस कैसा? वेल बिफोर पिशाचिनी आई वुड लाइक टू मेंशन नजर. हाँ, यू वर वेरी नोन फॉर नजर. सो नजर यू नो नजर वॉज माई फर्स्ट हिट शो आफ्टर 14 ईयर्स इन द इंडस्ट्री. सो कहीं ना कहीं यू नो आई स्टार्टेड इन 2004 एंड माई फर्स्ट हिट एज अ सोलो हीरो केम इन 2018. ओह माय गॉड, कितने साल बोले आप? 14 years. तो जब आप 14 साल काम तो आप कर ही रहे थे. करेक्ट. पर आपको पहचान नहीं रहा था कोई, ये प्रॉब्लम था कि आपको अच्छा काम नहीं मिल रहा था? नहीं, ऐसा नहीं है. मैंने मतलब मुझे सच बताओ तो मुझे कुछ समझ ही नहीं थी किसी चीज़ की कि क्या लीड रोल होता है या यू नो क्या सपोर्टिंग रोल होता है. हीरो बनना था पर हीरो कैसे बनते वो नहीं पता था. तो यू नो जब भी मैं वॉट एवर आई यूज टू गेट, अगर मुझे इंटरेस्टिंग लगता था कैन मतलब कोई भी कैरेक्टर हो. हाँ. ऐसा नहीं है कि यू नो लीड ही चाहिए या फिर मामा का बेटा भी चलेगा या कुछ भी चलेगा. बट आई वॉन्ट टू यू नो डू समथिंग एंड आई वॉन्ट टू यू नो बी इन द इंडस्ट्री एंड आई वॉन्ट टू यू नो रिफाइन माई सेल्फ एंड मे बी वेन द टाइम इज करेक्ट, जब वक्त सही होगा अपने आप में हीरो बनूंगा. और शायद 14 साल वो थे. वैसे मेरा फर्स्ट शो एज अ लीड वॉज जाबा सिंधबाद विच एड ऑन जी. अच्छा. बट वो आते ही इट गॉट बंद. कब हो गया था? 9 episodes में बंद हो गया. 9 episodes? क्यों? क्योंकि वहाँ पे थोड़े प्रोग्रामिंग के यू नो चेंजेस हो गए थे. मतलब आपको तब नहीं लगा क्या है मेरी किस्मत है यार, मेरे को एक लीड मिला तब भी ऐसा नहीं लगा? ऐसे ऐसे तो बहुत हुआ है. ये कोई नई बात नहीं है. अच्छा. मतलब वो करने के उससे पहले भी एक बार एक शो मैंने साइन किया था एंड साइन कॉन्ट्रैक्ट तक साइन किया था और फिर 4 महीने मुझे घर पे बिठा दिया था इन लोगों ने, प्रोड्यूसर्स ने, कि दिसंबर में मई में साइन किया, बोला अक्टूबर तक शूट शुरू करेंगे. फिर अक्टूबर में सडनली आई गेट अ कॉल, वो भी उनसे नहीं आता है किसी तीसरे इंसान से आता है कि यू हैव बीन रिप्लेस्ड और आपकी जगह पे कोई और. oh my God. ये कर दिया. ओह माय गॉड, 14 साल बाद आपको लीड मिलता है. फिर नज़र की बात, आपका कैसा चेंज हुआ नज़रिया ऑफ पीपल टूवर्ड्स यू? अ लॉट ऑफ चेंजेस. सच बताऊँ तो यू नो आई अगर मैं किसी दिन अपने पर किताब लिखूंगा ना तो नज़र तक का पार्ट 1 होगा एंड पोस्ट नज़र विल बी पार्ट 2, बिकॉज देर इज ह्यूज डिफरेंस इन माइंड सेट ऑफ पीपल, इन हाउ पीपल टेक मी एज अ पर्सन नाउ. एंड जब अब मैं बोलता हूँ तो कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों को यू नो काफ़ी लोग उसे सुनते हैं, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तो लाइफ इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट आफ्टर नज़र. बट यू नो एट द सेम टाइम समटाइम्स आई फील के यू नो कहीं ना कहीं मैं खुद बड़ा यू नो वल्नरेबल कम हो चुका हूँ एंड आई समहाउ डोंट लाइक दैट अबाउट मी नाउ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप यू नो बहुत चीज़ें सीख जाते हो ना तो वो भी गलत हो जाता है. हाँ? और आपको पता चलता है. जैसे आप, मैं समझी नहीं, वल्नरेबल कम हो गया मतलब? जैसे यू नो मुझे पहले काफ़ी चीज़ों के बारे में बुरा लगता था. बट शायद अब उन चीज़ों के बारे में बुरा नहीं लगता है. जैसे मे बी यू नो आई हैव फेस्ड रिजेक्शन सो मच कि रिजेक्शन सब मुझे उतना बुरा नहीं लगता. मुझे भी नहीं लगता. प्रॉब्लम है ना ये? हाँ, ये कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि थोड़ा प्रॉब्लम है. क्योंकि अब वो खुन्नस में ही नहीं होते हो, फिर अब वो मुझे लगता है जो जब बुरा लगता है यू वर्क ऑन इट एंड देन यू सॉर्ट ऑफ कम आउट. नो बट आल्सो आई हैव कम अप विद अ थियरी जो कहती है कि यू नो आपके लाइफ में कितने भी रिजेक्शंस हो या कितने भी यू नो विन्स हो, आप बुरे दिन जो है वो कम होने चाहिए, आप हाँ अच्छे दिन ज्यादा होने चाहिए. करेक्ट.
तो मैं उसमें ले लेता हूँ कि चलो मुझे बुरे दिन कम लग रहे हैं या बुरा कम लग रहा है तो मेरे अच्छे दिन ज्यादा। और क्या लगता है कि आप और क्या चेंजेस आ गए? Also lot of you know fans have that is important dropped in and you know there are a lot of people who takes a lot of care of me, gives and dedicates a lot of their time to me. तो यू नो ये सारे पोस्ट बनाते हैं सोशल मीडिया पे। आपको क्या बोलते हैं? आपका कुछ हैशटैग क्या है आपका? हर्षु इज देयर देन लॉट ऑफ इट बट मैं सच बताऊं तो ना मुझे आज तक इंस्टाग्राम उतना अभी तक समझ नहीं पाया। जमा नहीं है आपको? जमा भी नहीं और मैं समझ भी नहीं पाया। अच्छा आपको कौन सी चीज नहीं अच्छी लगती इंडस्ट्री के बारे में जो आप चेंज करना चाहोगे? सो पहली चीज जो मैं चेंज करना चाहूंगा इंडस्ट्री में स्पेशली टेलीविजन में ना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये 90 डेज वाला जो पेमेंट का चक्कर है इट इज़ वेरी अनफेयर। इट इज़ वेरी अनफेयर। और यू नो आप बिलिंग जो करते हो वो 30th डे पर करते हो तो 30 दिन वो और 90 दिन और मतलब हो जाता है 120 डे मतलब चार महीने तक इंसान कैसे सर्वाइव कर पाएगा? आपको मतलब क्या आप कैसे कोई आप थोड़ी ना महाराज हो कि चार महीने तक बिना कुछ काम पैसे आए आप ये कर सकते हो। तो दैट इज वन थिंग विच यू नो आई फील कि इसका कुछ ना कुछ करना चाहिए। ओके तो वो एक चेंज आपको चाहिए। और मेरा से दूसरा सवाल था कि ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस रहा है आपका जो आपको डिफाइन करता है आज? बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है बट सबसे मेजर एक्सपीरियंस आई वुड से जो मेरा स्विच जो था ना फ्रॉम गुजरात टू मुंबई That was one of the biggest change in my life. अच्छा। क्योंकि कहीं ना कहीं यू नो गुजरात में मैं एक पॉन्ड में था When I came here, I dived into a ocean. तो तब बहुत रियलिटी चेक्स मिले बहुत ज़्यादा यू नो चीज़ें सीखने को मिली एंड एट द सेम टाइम मुंबई आने के बाद मैंने एक चीज़ सीखी कि लाइफ में आप कभी भी हारते नहीं हो आप हमेशा सीखते हो यू नेवर लूज यू ऑलवेज लर्न सो दैट वॉज द वन ऑफ दी यू नो चेंजिंग पार्ट ऑफ मी क्योंकि आप गुजरात में एक इंसान को देखोगे एकदम सीधा साधा यू नो ऐसे अजीब से बाल सिल्की बाल हुआ करते थे बट बड़े अजीब से बाल थे देन दैट होल ग्रूमिंग पार्ट जो हुआ फ्रॉम देयर टू वेयर आई एम राइट नाउ इज द ओनली मतलब व्हेन आई स्विच फ्रॉम गुजरात टू मुंबई दैट हैपेंड एंड दैट्स द लाइफ चेंजिंग थिंग फॉर मी। और ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कुछ कुछ लोग क्योंकि बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं एक जगह पर फिर उनको दे डोंट नो एनी बेटर तो वो बहुत खुश रहते हैं जो कि बुरा भी नहीं है बट लाइक वंस दे आर आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन फिर वो इतना बड़ा कल्चर शॉक लगता है और सब कुछ शॉक लगता है बट जो अमाउंट ऑफ ग्रोथ होती है इट इज इनकॉम्प्रोमेबल सो इट्स करेक्ट ट्रू Amazing. Mind blowing. With that, हमारा पहला round खत्म होता है. Let's talk about Harsh and his love life and interest in the next round. आप कहीं मत जाइए. Hi, welcome back after 2 seconds. कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजेदार ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत बड़ा ब्रेक ले लिया। थैंक यू वी वांट यू टू फील दैट बहुत बड़ा ब्रेक था। तो हर्ष मुझे बताओ कि यार इतने तुम सुंदर सुशील होनहार लड़के हो तो तुम सिंगल कैसे हो? हाउ आर यू लाइक नॉट इन अ गुड हेल्दी मैरिज सिचुएशन हियर? कभी ऐसा मतलब एक्चुअली सोचा नहीं है बीइंग वेरी फ्रैंक ना कभी ऐसा सोचा नहीं है कि ऐसा ज़रूरी ही है कि आपको शादीशुदा होना चाहिए। इफ़ यू आर हैप्पी क्या क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं सच में बट ऑल्सो आई बिलीव के यू नो आई एम ओल्ड स्कूल एंड आई वॉन्ट टू गेट मैरिड समडे एंड वॉन्ट टू हैव सम क्यूट किड्स ऑल्सो यू विल हैव क्यूट किड्स या होपफुली। तो मुझे बताओ कि प्यार के प्रति नजरिया क्या है या वो चेंज हुआ है ओवर द इयर्स की सेम जो था वही अब तक चलते आ रहा है? नहीं आई फील यू नो लव इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। इट इज मतलब देयर इज नथिंग व्हिच कैन यू नो दैट फीलिंग इज नॉट कंपेरेबल यू कांट कंपेयर इट विद सम अदर फीलिंग। या यू नो कुछ चीजें विथ इयर्स ऐड हुई है व्हिच इज आई वुड टर्म इट एज प्रैक्टिकलिटी कि यू नो पहले ऐसा लगता था कि एक नज़र में प्यार हो जाता है बट ऐसा अब नहीं लगता कि प्यार होता है। ऐसे आपने नसे वसे काटी है किसी के? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं इतना प्यार में पागल में कभी हुआ ही नहीं। कभी नहीं हुआ है? हाँ पर मैं हूँ आशिक बड़ा मतलब यू नो जब मैं प्यार में होता हूँ तो मुझे चीज़ें करनी बड़ी पसंद है जैसे यू नो छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ें नहीं जैसे कुछ खाना वाना बना दिया
या फिर यू नो कहीं पे बाहर गए तो यू नो डू सम स्पेशल थिंग फॉर स्पेशल पर्सन. सो जैसे क्या स्पेशल थिंग किया आपने, बेस्ट लाइक व्हाट, सबसे मस्त क्या किया जिससे लड़की एकदम फ्लैट हो गई थी? अभी तक तो सबसे बेस्ट चीज हम लोग एक तालाब पर यू नो थे और तालाब पर वी कुक सम फूड. वैसे हम लोग सब स्टव वव लेके गए थे अपना. एंड आई हैव अ बोट आल्सो. यू हैव अ बोट? बोट एज इन इट्स अ स्मॉल बोट, कायाक, बट बिगर देन अ कायाक बोट. सो या सो वो है. तो यू नो ऐसे बीच में, तालाब के बीच में जाके फिर ईट योर फूड एंड यू नो प्ले कार्ड्स इन बिटवीन द लेक एंड ऐसी कुछ चीज़ें छोटी छोटी. Yeah. Never felt so sad in my life. And I'm supposed to be happy, guys. Okay, तो आप ये करते, तो आपकी आपको कैसा लगता है, like how do you like receiving love? जैसे love language के बारे में आपको पता होगा, I'm sure, नहीं? Yeah, yeah, of course. Of course, हाँ. तो आपकी love language, I think, देना है, service and gifts is of what? I am a keeper. Okay. Yeah, I am more of a keeper. Like you know, मैं अगर कोई मेरे साथ है, तो I'll make sure कि काफ़ी सारी चीज़ें मैं ही करूँ उनके लिए. एंड आई वुड लाइक टू लाइक यू नो की बी द प्रोवाइडर. या और अब क्या, जब लड़की आपके लिए कुछ करती है तो आपको क्या अच्छा लगता है, मतलब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ लड़की? नॉट मच एक्चुअली. कुछ भी नहीं, बस एग्जिस्ट करे. नहीं, ऐसा भी नहीं है कि एग्जिस्ट करे. ऑब्वियसली वो रेसिप्रोकेट करना बहुत जरूरी है सामने वाले का, बट यू नो प्रोक्रिएट करे. आई वाज लाइक वाओ, ओके. रेसिप्रोकेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यू नो आप कहीं ना कहीं ताली एक हाथ से तो बजने वाली है नहीं. अगर ताली बजानी है तो दो हाथ की जरूरत पड़ेगी ही. सो छोटी छोटी चीजें, जैसे यू नो इतने एक्सपेक्टेशंस रखता नहीं हूँ मैं कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा मानना एक्सपेक्टेशंस आप रखते हो ना तो कहीं ना कहीं वो आप अगर उतनी फुलफिल नहीं हुई तो यू फील बैड अबाउट इट. सो व्हाई टू कीप इट? तो ऐसा हुआ कि पहले इतने ठोकरे खा ली, अब जाके यू हैव केप्ट योर एक्सपेक्टेशंस लेस, कि पहले से आप ऐसे ही थे? नहीं, मैं पहले से ही ऐसा था. अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं प्यार में धोखा खाया. नहीं खाया धोखा. नहीं नहीं धोखा. ओह गॉड, हु इज दिस मैन? नहीं खाया धोखा. ही नहीं खाया? नहीं, किसी ने आपको धोखा नहीं दिया, चीट नहीं किया? मैं बड़ा अच्छा इंसान हूँ, मेरे साथ कोई ऐसा कर नहीं सकता. तो ब्रेकअप कभी हुआ है लाइफ में आपको? हाँ, हुए, काफी हुए. तो वो किस वजह से हुए? दोनों की आइडियोलॉजीज यू नो मैच नहीं. शादी आपको नहीं करनी थी, लड़की को करनी थी? नहीं नहीं, मैंने, मुझे तो शादी करनी है. हाँ, फिर क्यों? आइडियोलॉजीज इन टर्म्स ऑफ यू नो कि कुछ तरीके पसंद नहीं आए कुछ चीजें करने के, तो जो शायद मेरे लिए यू नो लॉजिकल है और शायद सामने वाले के लिए भी लॉजिकल है अपने तरीके से. जैसे एग्जांपल बोलो ना, बिकॉज दिस इज साउंडिंग वेरी नाइस एंड ऑल, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ तरीके थोड़े से. इट्स अ वेरी गुड आंसर. लाइक अ वेरी सिंपल थिंग आई वुड से कि यू नो आई एम अ मॉर्निंग पर्सन. ओके. एंड आई लाइक टू स्लीप ऑन टाइम. आई लाइक टू वेक अप, लाइक गेट अप ऑन टाइम एंड do my things. And I'm a very what you say, a very routine guy also. अच्छा, आपको routine अच्छा लगता है? I like routine, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस दिन आप शायद काम नहीं कर रहे हो, आपके पास काम नहीं है, तो आपका routine ही आपको बचा के रखेगा. That is true. So I like doing things on time and with time. और काफ़ी बार you know चीज़ें या फिर सामने वाला you know वो चीज़ें नहीं करता है या फिर वो चीज़ें you know उसमें lag आती है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है. कहीं ना कहीं सो ऐसा नहीं है कि आई एम स्ट्रिक्ट और यू नो कि ये इतने बजे होना चाहिए, वो इतने बजे होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है. बट यू लाइक अप्रिशिएट कि वो इंसान भी उसी टाइम जोन से चले, उसे भी रूटीन पसंद हो. ऑफ कोर्स. और व्हाट आर यू वेरी पर्टिकुलर अबाउट यू, बिकॉज़ आपने मुझे ब्रेक में बताया यू वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर डाइट एंड फिटनेस. ओह या. तो लाइक आपके लिए वो एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होगा ना गर्ल की, शी शुड बी लाइक अ फिट पर्सन? ऐसा भी नहीं है? अच्छा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. क्योंकि यू नो खाना है भाई, जिसको जो खाना है खाओ, एट द एंड आप खुश रहने चाहिए और क्या. पर मैं पर्सनली काफ़ी यू नो स्ट्रिक्ट हूँ अपनी डाइट को लेकर एंड एक प्रॉपर स्केड्यूल में, लाइक माय डिनर इज डन एट 7:30 इन द इवनिंग. आप कभी 11 बजे उठ के खाते नहीं हो? नहीं, कभी नहीं. कभी नहीं? नहीं, 11 बजे मैं सो जाता हूँ. कभी ऐसा नहीं हुआ बहुत भूख लग रही है, लेट्स जस्ट ईट लिटिल बिट ऑफ लाइक चॉकलेट हियर एंड देन? नहीं, होता है, ऑफ कोर्स होता तो है, होता तो है, बट यू नो आई थिंक आई हैव लर्नड इट बाय नाउ कि उससे फिर वो से जो बिस्किट बनाए हुए वो चलेना चाहिए. वो बिस्किट के लिए, बिस्किट के लिए करना पड़ता है, बिस्किट नहीं खाने. वही मेरे दिमाग में भी सेम जोक था. ग्रेट. या ओके,
जब आप एक किसी लड़की को देखते हो सो व्हाट डू यू थिंक मेक्स द वुमन वेरी डिजायरेबल लाइक कौन से सी लॉन्ग हेयर लॉन्ग हेयर फर्स्ट थिंक यू रेडी आंसर ही न्यू दिस लॉन्ग हेयर और लॉन्ग हेयर दूसरा आईज और तीसरा एक्चुअली दो चीज है चार बताऊंगा मैं एक इज गुड स्मेल गुड स्मेल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्माइल सो स्माइल लॉन्ग हेयर स्मेल एंड स्माइल आईज आईज अच्छा स्मेल दो बार बोल दिया था मैंने सो नाइस गुड वेरी नाइस पहली बार देख के तो यही चीजें दिखती हाँ फिर उसके आगे बाद का इंसान तो बाद में निकल के आता है सो वो तो बात की बात है तो जब आप रिलेशनशिप में होते हो तो उसमें आपकी पेट पीफ क्या है मतलब आपको लगता है ये कर दिया मुझसे अच्छा आपने बोला रूटीन एंड ऑल वो आपका पेट पीफ है दैट्स लाइक योर पेट पीफ या फॉर श्योर या ओके ठीक है आई एम थिंकिंग I'm thinking now. मेरी thinking cap on कर रही हूँ मैं. जब आप dates पर जाते हो, क्या लगता है आपको कि लड़कियाँ को कितना देना चाहिए? Like should they pay for like आपका like how do you? It's a rubbish concept कि मैं pay करूँ या वो pay करे. नहीं पर आपके दिमाग में कभी thought नहीं आया finances को लेकर कि मतलब half half करना चाहिए I feel. हाँ? I totally agree कि half half ही होना चाहिए. कहीं पे भी आप जाओ. कहीं पर भी आप. हाँ मतलब Of course, अब अभी you know if you married someone and if you are with someone, तो of course फिर तो आपको आपकी जिम्मेदारी है। मैं वही मेरा वही question actually कि I'm talking about like a serious relationship. तो उसमें अभी because मैं उस age में हूँ when I think all of this and मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो I will pay for everything half like whatever half half जो भी होगा अगर rent होगा तो हम half pay करेंगे मम्मी बोलती तुम क्या बोल रही हो ऐसा थोड़ी होता है कि वो उसका पैसा उसका तुम्हारा पैसा तुम्हारा है तुम्हारा दोनों का एक ही पैसा होगा and I'm like नहीं ऐसा नहीं होता है like उसका पैसा उसका पैसा मेरा पैसा मेरा पैसा so how do you define finances in maybe in your relationship in future see I feel you know देखिए पहले तो ऐसा कोई कंपल्शन है नहीं कि जितना यू नो इस पे स्ट्रेस दिया गया है कि हाफ तू पे करेगी हाफ मैं पे करूंगा वैसा कोई कंपल्शन पहले तो है नहीं सेकेंडली यू नो देयर आर लॉट ऑफ सिचुएशंस कि जहाँ पर यू नो मे बी आई एम नॉट एबल टू डू अ सर्टन थिंग और मे बी आई वोंट बी एबल टू पे फॉर सर्टन अमाउंट एट दैट टाइम दैट यू नो दोज अंडरस्टैंडिंग और आप साथ में क्यों हो वो तभी पता चल जाएगा तब पता चलेगा और वो ऑटोमेटिकली हो जाता है उसमें कहीं ना कहीं ये थॉट के साथ यू नो आपको एकदम ऐसे ग्रज रखना है कि भाई 50% तो 50% वैसा नहीं होता हाँ बल्कि कोई भी रिलेशनशिप 50-50 तो नहीं होती कभी 70-30 exactly, होती, कभी 20-80 होती है एंड इन टर्म्स ऑफ इमोशंस आल्सो हाँ जी सिर्फ ऐसे ही नहीं इमोशन में भी वैसा होता है कि कभी आपका पार्टनर यू नो मे बी आपको 70% दे रहा होगा और आप 30 दे रहे हो और किसी ऑन द अदर डे मे बी यू आर गिविंग 80 एंड शी माइट बी गिविंग 20 सो वो वही है कि हाउ डू यू टेक दैट पार्टनरशिप अहेड नाइस वेरी वाइज दिस मैन इज लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी एंड दिस राउंड हाउ डू यू कीप स्पाइस इन योर रिलेशनशिप या विल कीप स्पाइस इन योर रिलेशनशिप ऐसे क्या करोगे आप आई फील यू नो पहले तो कम्युनिकेशन बिकॉज कुछ भी चीज़ आपको शुरू करनी है या ख़त्म करनी है या जो भी करना है तो कम्युनिकेशन इज द फर्स्ट थिंग आप अगर बात ही नहीं करेंगे तो स्पाइस अप कैसे होगी चीज़ सो कम्युनिकेशन तो है ही है सेकेंडली इज यू बी योर सेल्फ एंड लेट मी बी माई सेल्फ करेक्ट ये दो जब तक आप मेंटेन कर रहे हो तब तक क्लैशेज ऑफकोर्स कहीं ना कहीं यू नो मैं या फिर सामने वाला थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे करता है बिकॉज दैट इज यू नो वरना रिलेशनशिप चलेगी ही नहीं सो ये पार्ट इज गोना स्पाइस अप अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ ऑल्सो कमिंग टू मटीरियलिस्टिक थिंग्स समवेयर दोज क्यूट नाइट्स ऑफ यू नो फिल्मी नाइट्स और नेटफ्लिक्स एंड चिल एंड व्हाट डू यू मीन बाय चिल लाइक चिल इन नेटफ्लिक्स एंड चिल इज यू नो आई होप यू नो व्हाट नेटफ्लिक्स एंड चिल मींस डू यू नो व्हाट नेटफ्लिक्स एंड चिल मींस Chill is chill. Can we any chill? No, it's not chill. Chill. Chill is not chill in this context. But it's a good thing. Of course. Beautiful thing. That chill is very chilling, you know. And that chill is important. Of course, important. On that note, let me take you quickly to round three, जहाँ पर आपसे हम मसालेदार questions पूछेंगे. Please. Okay, guys, be ready because we are gonna add some spice right here, right now. क्योंकि हमने बात छोड़ी थी चिल पर तो शुरू करते हैं आपकी फेवरेट चिलिंग पोजीशन से
I'm so like, this is a very tricky situation for me being a host, but like I have to ask because this is spice it up, guys. Spice it up with Tanvi, right? Yeah. There is like mirchi and like fire coming out. Oof. Which indicates passion. So tell me. You have a very visual memory, you know. Well, I start thinking about the things. Oh my god. I think yes, Harsh. Very animalistic I am, maybe you can, you know, passionate, maybe you know, wow. Some doggy or dog or something. Ooh. Oh, that's a that good one. Yeah. Good one. Yeah. Thank you for sharing. High five. Now that that's over, let's move on. An actress you would want to go out with? Television? Anyone. Jo bhi aapko marzi. Oh, I'm in love with Scarlett Johansson. Oh my god. Badi hot lagti hai. Bahut hot hai. Bahut hot hai. So, hotness kya hoti hai? In a girl. I feel hotness ada hoti hai. Oh. किसी यू नो ज़रूरी नहीं है कि आप यू नो यू जस्ट ऐसे किसी भी बॉडी को यू नो ये करो या फिर उसे हॉटनेस अदा में होती है कुछ ऐसा उम्फ फैक्टर या यू नो कुछ ऐसा होता है आप में विच इज़ वेरी हॉट या इंटरेस्टिंग तो नाइस आंसर ये सब सोच रखा था आपने नहीं ये मेरी सोच है ओके व्हाट इज लाइक व्हाट डू यू डू इफ ओके अच्छा इज इट इट्स अ स्लीज़ी क्वेश्चन इट इज व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर बोर्ड एंड अलोन अ लॉट ऑफ थिंग्स आई डू व्हेन आई एम बोर्ड एंड ये कहां से स्लीज़ी क्वेश्चन हुआ पहले तो ये बताओ इट कैन बी स्लीज़ी इफ यू थिंक अबाउट इट बिकॉज़ यू आर अ नाइस पर्सन यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट बट लाइक व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर बोर्ड एंड अलोन आई एम बोर्ड एंड अलोन यूजुअली आई पिक माय गिटार अप एंड आई प्ले अ लॉट ऑफ गिटार ओह आप बजाते भी हैं मैं सब कुछ करता हूँ मैं गाता हूँ बजाता हूँ डांस करता हूँ बजाता हूँ डांस करता हूँ एक्टिंग कर लेता हूँ खाना पकाता हूँ वोटिंग करता हूँ और क्या चाहिए सब करता हूँ कौन सी चीज़ें नहीं करते हो लाइक वन बैड क्वालिटी अबाउट योरसेल्फ बिकॉज वी नीड टू अंडरसेल यू आल्सो बैड क्वालिटी अबाउट मी इज आई एम वेरी मूडी समटाइम्स वो तो एक्टर हो ना हाँ नहीं ऐसा जरूरी नहीं है ऑल्सो वन बैड थिंग अबाउट मी इज आई एम वेरी पंक्चुअल अबाउट थिंग्स इज अ बैड थिंग नहीं इट्स अ गुड थिंग नहीं ट्रस्ट मी इट इज बैड वो एक्सपीरियंस का ट्रस्ट नहीं करती आपको खुद को बड़ा गुस्सा आता है लोग आजू बाजू पंक्चुअल नहीं होते आपको क्या हो रहा है नाउ दिस इज ये और ने क्वेश्चंस ओके ये फॉर दिस ने फॉर ने पीडीए ये और ने या यू आर अ बिग बिलीवर इन पीडीए आई लव इट आई बिलीव यू नो इफ यू लव समवन देयर इज नो प्लेस एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड एज हां ऑफ कोर्स यू हैव टू बिहेव In a certain way, at a respected place, like if you go to a temple, you can't have PD on a temple, in a temple, right? Correct. So there are some respect places, but apart from that, why not? Nice. Situationship. Never. आप कभी थे situationship? नहीं वो term ही मुझे समझ नहीं आती है. Possessive boyfriend, not a possessive boyfriend. Not at all a possessive no. boyfriend. No. No. बिल्कुल. Very chill. Nice. Open relationship, ये और नहीं? नहीं. No. Very clear, no. 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 Ice cream, ये और नहीं? Ice cream, very yay, but since I am on diet, nay. Thank you, sir. Still, I managed to get some, I found some protein ice creams. You did? I mean, I bought you bahut sari brands, no sugar, full protein. Yeah, so I've figured it out. I've tried them, but they don't seem like ice cream. They seem like protein powder. Protein powder hai, jisko fridge mein rakh diya hai. Bas wahi hai. Very sad. Cool. They shouldn't call them ice cream. They shouldn't call. और वो ice cream की बेइज्जती है actually. In fact, मतलब हाँ वही सच्चाई है वो. और उसको ice cream से बेचो भी मत. उसको बस बोलो कि protein powder and frozen protein powder. Frozen protein. Yeah. True. Cool. I think we've had a good discussion. You're welcome, you guys. Lots of wisdom has been passed on. Yeah. थोड़े देखो बाल भी white आ गए. Lot of wisdom has grew in. Actually, बहुत बाल white हो गए मेरे. मेरे भी यार. That's wisdom you're getting. I just think it's the lack of nutrients in my body. I don't think so. No? Thank you, Harsh. It's genetic. It is actually. Thank you for understanding me. You look very nice and very pretty. Thank you. You don't need to, you know, care about white hair. And, oh, thank you. Yeah. And every age has its own grace. Main boodhi nahi hoon, Harsh. I just have white hair. Dekho.
अगर तुम्हें मेरी तारीफ करनी तो प्लीज गो ऑन। तन्वी बहुत ही कमाल की है, क्या होस्ट है, क्या क्या इंटरव्यू लिया इसने अभी, मतलब बहुत बेहतरीन इंसान है, बहुत ही कमाल की यू नो अदाकारा है, बहुत ही यू नो लोग बोलेंगे मेरे पैसे दिए थे नहीं, वो जीएसटी के बिल की बात हुई थी। थैंक यू, वेलकम, बिकॉज यू वर सो गुड एंड यू वन ऑफ माई फेवरेट गेस्ट ऑन माई शो। थैंक यू, आई थिंक एवरीबडी विल अग्री, सो आई थिंक वी शुड क्लैप फॉर हिम फॉर बीइंग सो नाइस। Thank you. And I hope 2023 is your year and all the years after that should be your years. Because you क्योंकि आप ये डिजर्व करते हैं। तथास्तु। तथास्तु। Yes, जो भी। Yes, all stus. क्योंकि आपने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया है, so we would like to give you a small token of our love. Am I getting something? You are. Oh wow. Thank you, Harsh. This is for you. This is too much of love. I can't pick it. No. Jim, जाते हो दिखाओ जरा. Oh yes. Still, I'm trying to show it. It's very heavy. There's so many things in it. Yeah. It is, isn't it? Thank you so much, Harsh. This was a little token of our love from Surprise in a Box. I hope आप surprised all. बहुत ज़्यादा surprised हूँ मैं. And a lot of things, you know, I can actually use it. Coffee, I love. A lot of things. Yay! I hope it makes you happy and like. I hope आप कुछ शुगर खा ले इसमें से, I really hope that for you. Thank you. Thank you for being so sweet. Yeah. Thank you. Thank you. That was it. Bye guys. हिंदी टीवी, भाषा लोकल, सोच है ग्लोबल। टीवी स्टार्स की ऐसी ही चटपटी स्पाइसी वीडियोस देखने के लिए हमारे हिंदी टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे।